फ्रेंड्स, वैदिक मैथ की सीरीज के मास्टर लेवल के चैप्टर नंबर 11 क्यूब रूट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम क्यूब रूट सीखेंगे। जैसे हम कहते हैं 2 का जो क्यूब है वो 8 होगा, तो 8 का क्यूब रूट वो कितना होगा? 2 होगा। ठीक है, इसके लिए आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए। क्या? 10 का क्यूब, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब 216, 7 का क्यूब 343, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब 729, 10 का क्यूब 1000। और साथ में अगर 7 है तो उसका यूनिट डिजिट 3 आएगा, 2 है 8 आएगा, 3 है 7 आएगा, ऐसे पता होने चाहिए। 1 के लिए 1 होगा, 4 के लिए 4 होगा, 5 के लिए 5 होगा, 6 के लिए 6 होगा, 9 के लिए 9 होगा, 0 के लिए 0 होगा, और 2 के लिए 8, और 8 के लिए क्या होगा? 2 होगा। देन 3 के लिए 7, और 7 के लिए 3। ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। अब कोई एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमें क्यूब रूट निकालना है, 15625 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। तो आपने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेना है। पहला पार्ट लास्ट के 3 डिजिट, बाकी चाहे 2 बचें, 3 बचें, 4 बचें, वो आपने आगे छोड़ देने हैं। अब यहाँ से इसके यूनिट डिजिट से आपको इसका यूनिट डिजिट पता चल जाएगा। 5 है, 5 के लिए 5 ही आएगा, तो लास्ट में आपको कितना मिल गया? 5 मिल गया। इसके बाद जो 15 है वो इनके कहाँ पे बीच में लाई करेगा? 15 जो है वो 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के बीच में लाई करता है, 8 एंड 27 के बीच में। तो इनमें छोटा कौन सा है? 2 है, तो 2 यहाँ पे लिख दीजिए, आपका आंसर कितना आ गया? 25 आ गया। और एग्जांपल करते हैं। सपोज 2197 का क्यूब रूट फाइंड आउट करना है। पहले की तरह यहाँ के 3 डिजिट, 1 यहाँ पे बच गया। यहाँ से क्या पता चलेगा? यूनिट डिजिट 7 से। अब 7 के लिए क्या था हमारे पास? 3। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया? 3 आ गया। 2 जो है वो 1 के क्यूब और 2 के क्यूब के बीच में है, 2। तो यहाँ पे छोटा कौन सा है? 1। तो आंसर आपका कितना आ गया? 13 आ गया। बहुत ही आसान सा है। एक और कर लेते हैं, 74088। यहाँ पे बात परफेक्ट नंबर्स की हो रही, परफेक्ट क्यूब नंबर्स की। अब क्या होगा? यहाँ पे भी 3 डिजिट्स, यहाँ पे 2 डिजिट्स हमने ले लिए। जो 8 है, 8 किसके लिए था? 8 के लिए हमारे पास यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा? 2 हो गया। अब जो 74 है, 74 4 के क्यूब और 5 के क्यूब के बीच में है, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125। तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास 4 आ गई, तो आंसर कितना हो गया? 42 हो गया। तो देखा आपने, बहुत ही आसान सी ट्रिक है क्यूब रूट फाइंड आउट करने की, जो परफेक्ट नंबर्स हैं उनका। ठीक है, हर एक का नहीं, हम यहाँ पे कह सकते हैं जो परफेक्ट क्यूब रूट क्यूब नंबर्स हैं उन्हीं की हम बात कर रहे हैं। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। साथ में आपको PDF का लिंक दिया हुआ है, उसमें प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और कमेंट्स ज़रूर करें। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।